नमस्कार दोस्तों, तो इन दो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जो बताया वो ये है कि समग्र आईडी में नया नाम सुधारना सीखें और समग्र आईडी में नया नाम कैसे जोड़ते हैं। तो इन दोनों ही स्थिति में क्या होता है कि हमको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं वो लगभग 600 KB और 100 KB के होते हैं। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किसी भी फ़ोटो का साइज़ कैसे कम कर सकते हैं, वो चाहे खुद की फ़ोटो हो या किसी डॉक्यूमेंट की, मार्कशीट, आधार कार्ड, कोई भी हो, उसका साइज कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लगना था 600 KB और 100 KB, तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसकी एक सिंपल सी प्रोसेस है, और ये हम सिंपल अपने सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन है जो आप मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं और उसी की मदद से ये काम कर सकते हैं, यानी किसी भी फ़ोटो का साइज कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो ऐप। इसके लिए जाएंगे आप प्ले स्टोर पर, वहाँ पर टाइप करेंगे क्यू रिड्यूस लाइट, ये क्यू रिड्यूस लाइट, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आपके मोबाइल में अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कंप्रेस इमेज साइज इन KB एंड MB, यानी कि MB एंड KB आप दोनों में ही कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सिंपल सी स्क्रीन है, यानी कि कुछ और सेटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल चूज़ फोटो पर क्लिक करेंगे तो आप सिंपल अपनी गैलरी पर पहुँच जाएंगे या फिर फोटोज पर पहुँच जाएंगे। आप यहाँ से अपनी कोई भी फ़ोटो उठा सकते हैं, वो चाहे जितने भी MB या KB की हो। जैसे कि हम इसको ले लेते हैं, ये 950 KB की है। अब हमको इसको 600 KB या 100 KB बनाना है तो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे KB एंड MB। अगर आपको बढ़ाना है तो आप MB कर सकते हैं, कम करना है तो हम KB पर ही रहने देते हैं। जैसे हमको इसको 100 करना तो 100 कर देंगे और सिंपल स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए कुछ सेकंड का समय लेगा और बकाया हमारी फ़ोटो को कंप्रेस कर देगा। देखिए यहाँ पर आ गया ये कंप्रेसर फाइल साइज 98.51 KB, यानी कि ये 98 KB की हमारी इमेज हो गई। हम यहीं से इसको चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं पर भी रख सकते हैं और फिर वहीं से उठा सकते हैं, या फिर आप अपनी गैलरी पर जाएंगे तो आपको यही फ़ोटो वहां पर मिल जाएगी और उसका साइज भी आप चेक कर सकते हैं, वो साइज़ कम हो चुका होगा। तो उम्मीद है इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हम किसी भी फ़ोटो का साइज़ कम कैसे कर सकते हैं।